दिस इज योगी वीरेंद्र योगी। प्यारे दोस्तों, अभी अभी हिंदुस्तान में जो जमहूरियत है, जहाँ की प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का महान पर्व का अनाउंसमेंट हो गया है। 2019 में इलेक्शन होने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो कमर कस के प्रचार प्रसार में जुट गए। बहुत सारी पार्टियां हैं जिसके मुद्दे अलग अलग हैं। कुछ भेड़िए हैं जो कि मानव कल्याण के लिए, देश की हिफाजत के लिए तो पार्टी में रहते हैं। कुछ वंशों से घिरे हुए हैं, वंश परंपरागत परंपरा के आधार पर वो शासन कर रहे हैं। जैसे प्रजातंत्र होता है ना, राजा का पुत्र राजा बनेगा और पुत्र का पुत्र बनते चला जाता है। लेकिन होता क्या है, आपने देखा है कि मुगल डायनेस्टी में भी बाबर ने तो मुगल डायनेस्टी की संस्थापना की थी, लेकिन बाद में एक से एक विभिन्न प्रकार के हुए और औरंगजेब के बाद सारे इतने कमज़ोर और दुष्ट निकले कि औरत और दारू के नशा में मुगल डायनेस्टी का सर्वनाश कर दिया। तो प्रिय दोस्तों, वंशवाद के आधार पर योग्य और काबिल व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसीलिए उनको वोट दीजिए जिसमें कि व्यक्तिगत क्षमता हो, जिसने अपने देश की सारी परिस्थितियों को समझा हो। 130 करोड़ जो हमारे बहन और भाई हैं, बेटी और बेटे हैं, उनके दुख दर्द को समझता हो। जिस जो बहुत ही ज्ञानी हो, जिसमें अपने आर्थिक परिस्थिति को देखने की, सामाजिक कुरीतियों को देखने की, देशभक्ति की भावना हो, जो दूसरों के लिए जीना चाहता हो, दूसरों के लिए मरना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को हमें वोट देनी चाहिए। तो मेरा जो आज का ये टॉपिक है, यही है कि हम वोट किसको दें। तो अब याद रखिए, आप वोट उसको दीजिए जो आपका मजदूर हो, आपका सेवक हो, जो हमेशा आपके बारे में सोचे। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है, जो आपके लिए जलने के लिए, मरने के लिए, आपके सुख सुविधा के लिए, आपके जीवन में सारे सुखों को देने के लिए, रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क और पानी, सबों का कल्याण हो, सबों का साथ सबका विकास हो, जो व्यक्ति इन भावनाओं से हो और अपना व्यक्तिगत उसका कुछ भी एजेंडा नहीं हो, वो बोलता हो जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे बिना मेरे भारतवासी जाना कहाँ, उसको वोट दीजिए। तो याद रखिए, जो समझता हो ये देश मेरा है, ये देश हमारा है, ये देश के जितने भी बहन और भाइयों हैं वो मेरे हैं, ये परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम तो है ही, ये हिंदुस्तान भी एक परिवार है जहाँ की कोई भेदभाव नहीं है, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, सारे हिंदुस्तान एक ही है, सारा भारत एक ही है, जितने भी भारतवासी हैं वो हमारे परिवार हैं। इस भावनाओं से प्रेरित होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये विचार बहुत ही उत्तम है, ये भगवान बुद्ध के विचार हैं, ये विवेकानंद जी के विचार हैं, और ये विचार वाले व्यक्ति विचारवान वही हो सकते हैं जो कि अग्नि परीक्षा से निकला हो, जिसने सारी मुसीबतों को झेला हो। हो सकता है कभी वो रोड पर झाड़ू मारा हो, कभी वो खलिहानों में काम किया हो, कभी किसी होटल में बर्तन माजा हो, या कभी किसी को चाय पिलाया हो, तो जानता है कि दुख क्या है, दर्द क्या है, परेशानी क्या है, मुसीबत क्या है। वो व्यक्ति जन कल्याण के लिए कुछ कर सकता है। तो मेरा आपको निवेदन है कि उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो कि आपका खिदमत करे, जो आपकी सेवा करे, जो आपकी हिफाजत करे, और जिसका कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं हो। आप देखेंगे कि हमारे भारतवर्ष में अनेक ऐसी पार्टियां हैं जो वंश परंपरागत पार्टियां हैं। बिहार का लल्लू यादव, ये दिल्ली का नेहरू परिवार, ये सब वंश परंपरा से चल रहा है। और जब वंश परंपरा होती है तो व्यक्ति केवल वंश के नाम पर, पूर्वजों ने जो कुछ भी किया उसकी कमाई के नाम पर वो अपना आधिपत्य जमाता है। और दुर्भाग्य है कि बहुत काबिल लोग हो सकते हैं नेहरू परिवार से जुड़े हुए कांग्रेस के, लेकिन उनका कोई आधिपत्य नहीं है। जिसने भी इस नेहरू परिवार के खिलाफ आवाज़ उठाई, सबको विदाई मिल गया। शरद पवार अभी जिंदा है, वो कांग्रेस का ही था। इवन हमारे जो प्रेसिडेंट थे प्रणब दा,
उनको भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। और जो कांग्रेस की परंपरा है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट वही हो सकता है जो नेहरू खानदान से जुड़ा हो। तो यहाँ स्वार्थ की बात है भाई। ये राहुल गांधी में क्या है, देखो एक ऐसा बच्चा है जिसको कुछ समझदारी नहीं है, न बोलने का तमीज है, न कभी वो कुछ अच्छा सोच सकता है, चोर चोर बोलता रहता है। जबकि पूर्वजों को मुड़ के देखे, उसके पूर्वजों ने देश को इतना कमज़ोर कर दिया, खोखला कर दिया कि आज भी जम्मू कश्मीर की समस्या बनी हुई है। अपनी बहन सुंदर से सुंदर फरिश्ता जैसी दिखती है, अगर खुद हारने लगता है तो अपनी बहन का सहारा लेता है। प्रिय दोस्तों, ऐसे लोगों को अगर हम अपना नेता चुन लें तो देश को नीलाम कर देंगे, देश को बेच देंगे, हमारी आज़ादी फिर से खतरे में आ जाएगी। इन कांग्रेस राज्य में देखे होंगे कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हमारे सरहदों में भेजा, यहाँ हमारे अनेक आतंकवादी हमले हुए और हमारे हजारों लोगों को मौत के घात उतार दिया, पार्लियामेंट पर हमला किया। प्रिय दोस्तों, ये ताजमहल में हमला किया, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन ये जो वंश परंपरागत थे, कभी भी वंशवाद के वंशवादी कोई दृढ़ संकल्प नहीं कर सके। तो हमारा व्यक्तित्व और नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति है जिसमें साहस हो, जिसमें देश प्रेम हो, जिसमें मर मिटने की तमन्ना हो, जो ये बोले कि मैं कभी छेड़ता नहीं, लेकिन जो छेड़ता उसे छोड़ता नहीं, न कभी मुड़ूंगा, न कभी झुकूंगा, न कभी घुटने टेकूंगा, जीऊंगा तो देश के लिए, मरूंगा भी तो देश के लिए, ये देश मेरा है, ये देशवासी मेरे हैं। वो व्यक्तिगत संपत्ति कुछ भी नहीं उसका, केवल उसका देश प्रेम। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, ऐसे महापुरुषों से हमारी धरती हमेशा गूंजती रही है उनके जय जयकार में। ऐसे लोगों को चुनिए और बॉटम लाइन बता रहा हूँ, मेरे पर भरोसा रखिए, एक देश का ऐसा महामानव है, युग पुरुष, माननीय आदरणीय, चाय बेचने वाला बच्चा, संघर्ष करता हुआ, अपने देश की सारी मुसीबतों को समझता हुआ, सारी समस्याओं को समझता हुआ इस देश का पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना था और लोगों का उस पर विश्वास है। जब भी पाकिस्तान ने हमला किया या पाकिस्तानी आतंकवादी दहशतगर्दी हमारे देश को हिलाने की कोशिश की, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। प्यारे दोस्तों, वही आपका नेता हो सकता है जो आपके लिए मरे, आपके लिए जिए। खुदगर्जी नहीं है, एक ही है, देश प्रेम, देश के लिए, देशवासियों के लिए, बहन और भाइयों के लिए, बेटी और बेटों के लिए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मोदी जी तो थे ऑलरेडी 5 साल, कहाँ चमत्कार कर दिए, कहाँ सबको करोड़पति बना दिए। ये बड़ी गंभीर समस्या है भाई, ये कोई मैजिक नहीं है, ये बड़ी मेहनत की बात है। 70 साल में जब चमत्कार नहीं हुआ तो कुछ महीने में और कुछ साल में चमत्कार नहीं होगा। हम सबको कंधे से कंधे मिला के सबको अपने अपने कार्यों में जुड़ जाना पड़ेगा। और सबसे उत्तम कार्य यही है कि जो सक्षम सरकार दे सकता हो, समृद्ध अस्थायित्व दे सकता हो, उस सरकार को चुनिए। और वो एक ही है, मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। यही देश का सच्चा सेवक है, यही देश को अनुशासित कर सकता है। अब देखेंगे कि मोदी सरकार में जितने भी लोग हैं उसमें बहुत ही अनुशासन है, कोई भी ऐसा स्वार्थी नहीं है जो कि अपने लिए काम करे, उसका कोई जगह भी नहीं है। इसीलिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत के सेवक। स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वाला जो भी व्यक्ति हो, मैंने अपने विचार बताया, आपके अगर कुछ ऐसे विचार हों या हमारे देशवासी जो भी चाहते हों कि मोदी से भी बेहतर करें तो बेहतर करो। मोदी एक प्रमाणित व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अगर दूसरा भी कोई सुभाष बोस हो, दूसरा भी कोई छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, दूसरा भी कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हो, और दोनों में प्रतिस्पर्धा हो कि देश की सेवा भक्ति निष्ठा से कौन कर सकता है, तो उसको वोट दीजिए। हम निष्पक्ष हैं, लेकिन मैंने जो प्रमाणित व्यक्ति को देखा है, व्यक्तित्व के चरित्र को देखा है, इस आधार पर मैंने आपको निवेदन किया है। जय हो, जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी, सबका कल्याण हो, सबका साथ, सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, हम एक हैं, हिंदुस्तानी।
इस देश के एक नागरिक एक नागरिकता सबों का उत्तरदायित्व है कि हम देश को समृद्ध करें, देश को महान बनाएं। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, इसीलिए हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। रोटी कपड़ा और मकान की समस्या, पानी बिजली और सड़क की समस्या, और ईमानदारी निष्ठा के साथ सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के पथ पर चलते हुए अपने देशवासियों के लिए अपने देश के लिए हम समर्पित हो जाएं, मर मिटें। कभी भी झुकेंगे नहीं, कभी भी मुड़ेंगे नहीं, कभी भी थकेंगे नहीं। सुगंध मुझे इस मिट्टी की, ये माँ भारत तुम्हारा सर नहीं झुकने देंगे, तुमको कभी मिटने नहीं देंगे। मुझे सौगंध इस भारत माता की और इस मिट्टी की, जब तक सांस है, जब तक हमारे धमनियों में रक्त चल रहा है, तो जिएंगे तो देश के लिए देशवासियों के लिए, और मरेंगे भी तो देश और देशवासियों के लिए। यही हमारा संकल्प है। जय हिंद।